कामयाबी एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान को अच्छा लगता है, जिसके लिए वैसे तो सभी लोग काफी मेहनत करते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य में कामयाब हो सके। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके हौसले और इरादे इतने बुलंद होते हैं कि वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। ऐसे जुनूनी लोग न केवल अपने सपनों को पूरा करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी सफलता की नई मिसाल कायम कर देते हैं। कहते हैं कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2019 के संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के परिणाम की घोषणा मंगलवार को हो चुकी है और हर बार की तरह इस बार भी मध्यम वर्ग परिवारों के बच्चों ने नाम रोशन किया है। ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया है पानीपत के डेढ़वाड़ी गांव के रहने वाले शक्ति सिंह आर्य ने, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा परिणामों में 587वां रंग हासिल कर अपने सपनों को एक नई उड़ान दी है। शक्ति सिंह बताते हैं कि परिजनों की प्रेरणा और मेहनत से हासिल कर गए मुकाम से वह बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवेश में होने के कारण कुछ दिक्कतें भी आईं, लेकिन मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन हो तो तरीके निकल ही आते हैं। चलिए सुनाते हैं शक्ति सिंह आर्य ने इस कामयाबी पर क्या कहा। जी, बेहद खुशी है और गर्व है कि मेहनत से और परिवारजनों के और दोस्तों के और रिश्तेदारियों के आशीर्वाद से, गांव वालों के आशीर्वाद से ये मुकाम हासिल कर पाया और गांव का, परिवार वालों का, सभी का नाम रोशन कर पाया, तो बेहद खुशी है। गांव के रहने वाले हैं, यहां तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी? जी, मेहनत तो मैं कहूँगा बहुत ही करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत के साथ आपकी किस्मत भी साथ देती है, दुआएँ भी साथ देती हैं। तो जब लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपके अगर पेरेंट्स आपको समाज के लिए अच्छा काम करते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको इसमें फ़ायदा मिलता है। मेहनत तो बचपन से ही ऐसा था जी, मैं मुझे पैसे दिए जाते थे कि बाहर जाओ खेल लो, क्योंकि मैं सारा दिन काम करता रहता था। यूजुअली इसका उल्टा होता है। तो उसके बाद फिर मैं जब 11th 12th में था तो उसमें सुबह जाता था 6 बजे, मैं 4 बजे उठ जाता था और 4 से मैं 5:45 तक पढ़ता था। 15 मिनट में तैयार होकर 6:05 पे बस आती थी गांव में, तो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में फिर मैं चला जाता था, तो वो बस मुझे लगभग 6:45 उतारती थी। तो तब से फिर 12 बजे तक मैं स्कूल करता था, उसके बाद ट्यूशन्स होते थे मेरे 12 से 6 बजे तक। तो शाम को मैं 6-7 बजे ही वापस आता था उसी बस से, वही बस शाम को वापस आती थी। तो शाम को 7 बजे आके मैं अपना खाना खा के 9 बजे दोबारा सो जाता था। ये 2 साल मेरी लाइफ थी और उसके बीच में मैं ना कोई स्पोर्ट्स, ना कोई कुछ, किसी से बातें, तो वहीं से जर्नी शुरू हुई थी। तो उसका परिणाम भगवान ने दिया, मैं एक बार स्टेट लेवल क्विज में फर्स्ट भी आया था और फिर 12th में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना। इसी के बेसिस पे मुझे स्टीफन्स मिला, स्टीफन्स में मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना था। जब मैं वहाँ पे गया था तो मैं रिलेट नहीं कर पाता था, क्योंकि वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, बड़े IAS, बड़े घरानों के बच्चे आते हैं, लेकिन हम यहाँ गाँव से पढ़े हुए, हिंदी मीडियम पढ़े हुए, तो हम बिल्कुल पीछे बैठता था मैं। और वहाँ से मैंने अपने आप को क्या किया, मैंने अपने दोस्त बनाए साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के, ताकि मैं उनके साथ, क्योंकि वहाँ पे कंपलसन आपकी इंग्लिश बोलना जी। और वो हंस नहीं सकते हैं, तो मैंने वहाँ से इंग्लिश बोलना सीखा। तो मेरी हमेशा से लाइफ लॉन्ग लर्नर की तरह से मैंने अपने आप को लिया। और तब मैं 3rd ईयर तक जाते जाते वहाँ पे कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, तो अपने आप को मैंने ऐसे आगे बढ़ाता रहा। फिर उसके बाद मैंने 2016 में अगस्त में तैयारी शुरू की और मैंने CAPF में 12वीं रैंक हासिल की। तो मैं अभी CISM में असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग कर रहा था और उसी के मद्देनज़र साथ साथ मैंने ये एग्ज़ाम दिया और ये सफलता हासिल की। तो बेहद खुशी है इस बात की। गांव के माहौल में आप रहते हो, बिजली भी गांव में नहीं होती, नेटवर्किंग की भी बहुत समस्याएं हैं, तो कितनी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा आपको? जैसे देर रात तक पढ़ना, घर में बिजली नहीं है, तो कैसे? जी, इसमें एक बात है, एक जो कहावत होती है, जहाँ चाह वहाँ रहा, वही इसका मूल मंत्र है। अगर आपको, देखो दिन में घंटे लिमिटेड हैं, आपको 6 घंटे से 8 घंटे सोना भी है, तो जब अंधेरा होता आप सो जाइए। तो मैं क्या करता था, जैसे ट्यूशन्स के बीच में गैप होता था, सपोज़ मेरा 12 बजे एक ट्यूशन है, वो 1 बजे तक चला या 1:30 बजे तक, तो अगला 3 बजे है, तो जब वो 1.5 घंटे होते थे, पानीपत में बस स्टैंड पर एक मंदिर है, तो मैं उस मंदिर में बैठ के पढ़ता था। और मैं एक और भी काम करता था कि कोई बहुत सर कोई ट्यूशन नहीं लगा सकता था, तो बहुत ऐसे बच्चे थे सरकारी स्कूल में जो ट्यूशन नहीं लगा पाते थे, तो मैं उनको पढ़ाता था। मैं इसलिए पढ़ाता था, उसमें मेरा भी रिवीजन होता था और वो लोग भी, उनकी भी मदद हो जाती थी। तो मैं अपना टाइम कभी वेस्ट ही नहीं करता था पूरे उसमें। मुझे किसी के ज़्यादा नाम याद नहीं थे स्कूल में,
सिर्फ दो चार लोगों के नाम याद थे मुझे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ना था। जो मेरे से हेल्प मांगने आता था मैं सीधे उसकी हेल्प करता था बिना नाम पूछे हुए, क्योंकि नाम से मेरा काम नहीं था, मुझे सिर्फ उनकी हेल्प करनी थी। तो जहाँ आपके मन में इच्छा होती है वहाँ आप तरीके निकाल लेते हैं। मैं शक्ति का जो है UPSC को पास करना मुझे बहुत गर्व की महसूस हो रहा है कि इसने जो है बच्चे ने बहुत ही नीचे से उठकर और जो है एक अच्छा मुकाम हासिल किया, जिसमें जिससे जो है अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने सभी उसका मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन इसने किया है और विपरीत हालात में किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मेन बात यही है कि जो अनुकूल परिस्थितियों में तो अनेक कर जाते हैं, लेकिन जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जो करता है वो कुछ और होती है उसकी वो बात। बच्चा जो है बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर आया, तो मैं इसी बात से जो है मुझे जो है अपना मतलब वो समय देखकर और अपनी हैसियत को देखकर जो है खुशी के आंसू आ जाते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं गांव का ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ। मैं सन मतलब 81-82 से लगातार कार्य कर रहा हूँ। 37-38 साल की लगातार सेवा है मेरी पोस्ट ऑफिस की। यहाँ अकाउंट्स हैं हमारे पास, लोगों के बहुत लेन देन है, इसमें बड़े अच्छे मतलब हमारे टारगेट रहे हैं। हरियाणा सत्र पर भी हमने जो है सफलता हासिल की है, मतलब इसमें पोस्ट ऑफिस में हमने हरियाणा सत्र पर भी जो डाक जीवन बीमा होता है उसमें हमने जो है बड़ी मेहनत से काम किया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।